हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दुनियादारी विद खुशबू। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी बन करेली, जिसे किकोड़ा और मीठा करेला और इंग्लिश में इसको स्पाइनी गार्ड भी बोलते हैं। तो ये मार्केट में दो वैरायटी के पाए जाते हैं, छोटे और बड़े। मैंने यहाँ पर छोटे साइज़ के लिए हैं। ये खाने में बहुत ही हेल्दी टेस्टी होते हैं, क्योंकि इनमें भरपूर मात्रा में कैल्शियम और प्रोटीन पाया जाता है। तो आप चाहें तो इसको धुलकर डायरेक्टली 4 पीसेज में कट कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पर इसकी ऊपर से हल्की सी मैं इसकी स्किन निकालूंगी और इसके बाद इसको वॉश करके दोबारा से 4 पीसेज में कट करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल बटन होता है आप उसको भी प्रेस कर सकते हैं, ताकि मेरे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से हमें 4 पीसेज में कट करना है। इस सब्ज़ी को आप कई तरीके से बना सकते हैं। आप इसे ग्रेवी वाली भी बना सकते हैं, आलू के साथ भी बना सकते हैं, बट आज जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, ये मैं सूखी सब्ज़ी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो यहाँ पर मैंने ली है एक कढ़ाई, उसमें गरम करेंगे 2 टेबलस्पून ऑयल। इसके साथ ही ऐड करेंगे 1/4 टेबलस्पून हल्दी पाउडर और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे कटी हुई सब्ज़ी। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये सब्ज़ी हमारी 10 से 12 मिनट में बनके तैयार हो जाएगी। अच्छे से मिक्स करने के बाद लिड को क्लोज करेंगे और 5 मिनट तक हम इसे लो मीडियम फ्लेम पर कुक करेंगे। तो अभी एक बार लिड ओपन करके चेक करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि सब्ज़ी हमारी वन साइड गोल्डन ब्राउन हो गई है। तो यहाँ पर मैंने लिए हैं 3 मीडियम साइज़ के प्याज, जिनको मैंने इस तरीके से कट कर लिया है। याद रखें कि प्याज की क्वांटिटी हमें थोड़ी ज़्यादा रखनी है। तो प्याज को भी इसमें मिलाएंगे अच्छे से और लिड को अगेन क्लोज करेंगे और 5 से 7 मिनट के लिए हम इसे कुक करेंगे। साथ में ऐड करेंगे सॉल्ट टेस्ट के अकॉर्डिंग। सॉल्ट को भी अच्छे से मिक्स करेंगे। आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताएं। अभी लिड को हम अगेन क्लोज करेंगे। तो अभी एक बार चेक करते हैं। तो देखिए, सब्ज़ी हमारी बनके बिल्कुल तैयार है। आप इसे रोटी या पराठे किसी के साथ भी खा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।